नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरेंद्र रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं सिंह लग्न और सिंह राशि वाले अगस्त महीने का आपका संपूर्ण राशिफल लेकर के। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपका संपूर्ण जीवन का हाल अगस्त के महीने में, और अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं या बाधा उत्पन्न हो रही है तो आपको किस प्रकार का उपाय कर लेना चाहिए, ये जानकारी मैं आपको बृहत रूप से समझाने वाला हूँ। प्रिय सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, इस वीडियो को देखने से पहले एक जानकारी आपको समझ लेनी चाहिए। ये जो मेरा वीडियो है तो ये लग्न पे आधारित, आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहां पे स्पष्ट तौर पे सिंह लग्न लिख रखा है, लेकिन जिनको अपना लग्न नहीं पता है वो व्यक्ति अपने चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार भी इस जानकारी को देख सकते हैं। हालांकि जिनको अपना लग्न और राशि दोनों पता है, अगर आप दोनों से मिला करके देखिएगा तो आपको संपूर्ण वृत्तांत की सटीकता से जानकारी प्राप्त होगी। प्रिय सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, अगस्त महीने का राशिफल सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा आपकी मानसिक चेतना से कि क्या कहता है आपका मस्तिष्क, यानी निर्णय शक्ति क्या रहने वाली है। सबसे पहले यहां पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझिए सिंह लग्न वाले। देखिए अगस्त के महीने में 17 अगस्त तक जो है सूर्य कर्क राशि में द्वादश स्थान में विराजमान रहेंगे। सबको पता है कि द्वादश स्थान शुभ नहीं होता है, सूर्य जो है ये अग्नि तात्विक ग्रह है और कर्क राशि जल तात्विक ग्रह है। द्वादश स्थान में जब लग्न चला जाता है तो ये शुभ नहीं होता, क्योंकि लग्नेश का द्वादश में जाना अशुभता को प्रतीत करने वाला होता है। हाँ, एक बात अवश्य मैं बोलूंगा, हालांकि 9 अगस्त तक सूर्य जो है ये बुध के साथ विराजमान रहेंगे, दोनों के सम्मिलित योग से बुध आदित्य योग बनता है, लेकिन बुध आदित्य योग अगर केंद्र में बनता हो या त्रिकोण में बनता हो तो इसका फल ज्यादा लाभकारी होता है, लेकिन द्वादश स्थान में पड़ रहा है तो आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि 17 अगस्त तक सूर्य द्वादश में रहेंगे तो कोई भी हड़बड़ा करके डिसीजन आप मत लीजिएगा। 17 अगस्त तक कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, कुछ ऐसे संजोग उत्पन्न होंगे कि आपके पैसे कहीं पे ज्यादा खर्च हो सकते हैं। 17 अगस्त तक मानसिक शांति बना करके रखिएगा, पिता से मतभेद मत करिएगा, और अगर आप सरकारी कर्म क्षेत्रों में हैं या प्राइवेट कर्म क्षेत्रों में भी हैं तो जो आपके सीनियर हैं इनसे मतभेद मत करिएगा। 17 अगस्त के बाद स्वयं लग्न में ही सूर्य आ जाएंगे जो आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल प्रदान करने वाला रहेगा। फिर भी सूर्य के परम मित्र मंगल लग्न में तो पूरे अगस्त के महीने तक रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक तथ्य को समझना पड़ेगा, 11 अगस्त तक शुक्र के साथ मंगल की युति भी रहेगी, मंगल और शुक्र का मित्रवत संबंध नहीं है, अतः ये बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं में अत्यधिक धन का इन्वेस्ट करवा सकता है। तो मैं आपको पर्सनली यही सलाह दूंगा कि अगस्त के महीने में 17 तारीख तक आप बहुत सोच समझ करके और सटीकता से निर्णय लेके काम कीजिएगा, एक गलत डिसीजन आपको बड़ा कर्ज की ओर या बड़ा नुकसान की ओर लेके जा सकता है। अब मैं बात करता हूं कैसा रहेगा आपके कर्म क्षेत्र यानी करियर का हाल, क्योंकि करियर ही मनुष्य के जीवन के सभी चीजों को निर्भर करने वाला होता है। एक करियर से ही एक एक फैमिली नहीं, आप स्वयं के अपने भविष्य को भी निर्धारित करते हैं। अगर करियर की बात करना चाहेंगे तो करियर स्थान में तो ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है ही, राहु अचानक धन प्रदायी ग्रह होता है, अचानक सफलता कारक होता है, तो एक चीज तो कन्फर्म है कि अचानक आपको उन्नति के रास्तों पे राहु लेकर के दो जा रहा है, परंतु करियर का आधिपति आपके कुंडली में शुक्र होते हैं और शुक्र जो है मंगल के साथ लग्न में बैठे हुए हैं। मंगल के साथ शुक्र का लग्न में बैठना मैं ये नहीं बोलता कि अशुभकारी है, लेकिन हाँ ये आपको करियर में कुछ लोगों से थोड़े से मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है, ये आपको थोड़ी सी अस्थिरताओं की ओर लेके जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने क्रोध पे और मन पे परफेक्ट नियंत्रण रखते हैं तो समय बहुत बढ़िया रहेगा। 11 अगस्त तक जो है आपके जीवन में नए नौकरी और व्यापार में बड़े उन्नति के रास्ते खुलेंगे। 11 अगस्त तक जिनको नौकरियां नहीं लग रही थी नौकरी 100% लग जाएंगे। 11 अगस्त तक जो है हर काम में आपको सफलताओं की गारंटी प्रदान होने वाली है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको समझना पड़ेगा। 11 अगस्त के बाद आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति शुक्र जो है वो 11 अगस्त से चले जाएंगे कहाँ, कन्या राशि में। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं तो 11 अगस्त के बाद आपको सीनियर अधिकारियों से
या पिता के साथ व्यापार कर रहे हैं तो पिता से, या नया नौकरी से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या फिर जो है जिस कर्म क्षेत्रों में है, 11 अगस्त से थोड़ी सी परेशानियां आपको दिखनी प्रारंभ हो जाएंगी। अब यहां पे एक तथ्य को आपको समझने पड़ेंगे, ये कब तक ज्यादा परेशानी देने वाला रहेगा। तो 11 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक आपको सावधान रहना है। सीनियर अधिकारी हो या फिर फ्रेंड सर्कल हो या फिर जो है जॉब में कलीग लोग वगैरह हो, इन लोगों से किसी भी हाल में मतभेद मत करिएगा। फिर पुनः क्या होगा कि 25 अगस्त से सूर्य बुध जो है वो कन्या राशि में आ जाएंगे, तो शुक्र और बुध के कारण एक तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा और दूसरा जो है नीच भंग राज्यों की भी उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है लेकिन बुध जो है कन्या राशि में उच्च का होता है। तो एक परफेक्ट जो है नीच भंग राज्यों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसका अर्थ यह होता है कि 11 अगस्त तक आपको करियर में जो भी रिस्क लेना है लीजिए, 11 अगस्त से 25 अगस्त तक कोई भी रिस्क नहीं लीजिएगा। उस समय नौकरी छूटने की संभावनाएं, नौकरी में बाधाएं, आय स्थिरताएं, परेशानियां, तनाव की स्थिति 11 तारीख से 25 तारीख के मध्य में रहेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि आप इस समय सावधान रहिएगा और कोई भी निर्णय सोच समझ के लीजिएगा। आपको नौकरी वगैरह में भी परिवर्तन करना है तो आप उसी समय कीजिएगा। अगर हम लोग बात करना चाहें पार्टनरशिपिंग की स्थिति वगैरह कैसी रहेगी, तो पार्टनरशिपिंग के स्थान में तो देखिए रेट्रोगेट बृहस्पति बैठा हुआ है। हालांकि बृहस्पति को मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहा है और सिंह लग्न में मंगल जो होता है ये भाग्येश भी होते हैं, तो शुभ कार्य होते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि मंगल जो है रूचक योग की उत्पत्ति कर रहा है। हालांकि बृहस्पति हंस योग की उत्पत्ति तो करके निश्चित तौर पर रखे हुए हैं, लेकिन बृहस्पति रेट्रोगेट है। तो पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय या व्यवसाय में कुछ परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो समय ठीक रहेगा, लेकिन पर्सनली एडवाइज मेरा आपको यही रहेगा कि 11 अगस्त से 25 अगस्त तक सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके धन की बात अगर करना चाहेंगे तो देखिए आपका पैसे यानी फाइनेंस क्या हाल रहने वाला है। देखिए आय का मालिक तो आपकी कुंडली में बुध है और धन का भी मालिक आपकी कुंडली में बुध होते हैं। आय और धन का दोनों का मालिक अगर बुध हो तो ये तो कंफर्म हो रहा है कि बुध में बहुत ज्यादा कहीं ना तो कहीं प्रबलता रहना सिंह लगन में अत्यंत आवश्यक होता है। अब बुध आपकी कुंडली के द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं और ये रहेंगे 9 अगस्त तक। तो 9 अगस्त तक आपको कर्ज के योग बनेंगे, 9 अगस्त तक फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, 9 अगस्त तक जो है आपको ना कंटिन्यू आय की स्थितियां खुलेंगी और ना कंटिन्यू बहुत ज्यादा कहीं कहीं से धन आने की स्थितियां रहती हैं वो उत्पन्न होने वाला है। 9 अगस्त के बाद बुध जो है वो केंद्रस्थ हो जाएंगे, मतलब जो है ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो क्या होगा कि आय का मालिक और धन का मालिक जब केंद्रस्थ हो जाएगा, हालांकि देखिए मंगल शत्रु के साथ रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब ये केंद्र में जाएगा तो धन बहुत ज्यादा आना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन जो कंटिन्यू आय की स्थितियां हैं उसमें तो सपोर्ट मिल जाएंगी। लेकिन 11 अगस्त से शुक्र चले जाएंगे कन्या राशि में। अब यहां पे मैंने बताया है कि कन्या राशि जो होता है ये शुक्र का नीच का राशि होता है, तो जो 11 अगस्त से कंटिन्यू अचानक अचानक धन का योग जो रहेगा 11 तारीख से 25 तारीख के बीच में आपको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कंटिन्यू आय के योग में जो वृद्धि है वो आपके 9 अगस्त से चालू हो जाएंगे। अर्थात ये तो स्पष्ट हो रहा है कि 9 अगस्त तक थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कत रहेगा। हालांकि बृहस्पति की पांचवी दृष्टि निश्चित तौर पे आय स्थान पे है, लेकिन बृहस्पति रेट्रोगेट है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव पूर्ण रूप में नहीं रहता है। इसका अर्थ यही हुआ कि आपको परफेक्ट धन का योग जो है ये 9 अगस्त से दिखने चालू हो जाएंगे और 9 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में अचानक अचानक धन में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन 25 अगस्त से पुनः धन के योग में वृद्धि देखने को मिलने लगेंगे। इसी के साथ अगर कर्ज की भी चर्चा कर दे तो कर्ज के अधिपति शनि रेट्रोगेट है, जो आपको भयानक कर्ज की ओर तो लेकर के जा रहा है, और इधर 9 अगस्त तक कर्ज में आपकी वृद्धि होती रहेगी, 9 अगस्त के बाद कर्ज में थोड़ी थोड़ी कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। अगर आपके हम विदेश यात्रा की बात कर लेते हैं अगस्त के महीना में, तो देखिए विदेश यात्रा का स्वामी तो आपकी कुंडली में मंगल भी है, चंद्रमा भी होता है और बुध भी होते हैं, तो विदेश यात्रा का यानी भाग्य का मालिक तो केंद्रस्थ हो चुके हैं, परंतु सूर्य और बुध द्वादश में जाना थोड़ा शुभकारी नहीं रहेगा। 9 अगस्त के बाद जब बुध केंद्रस्थ हो जाएंगे तो विदेश जाने के संजोग में ज्यादा वृद्धि दिखेंगे, लेकिन 17 तारीख के बाद जब सूर्य सिंहस्थ हो जाएंगे तो आपकी कुंडली में विदेश यात्राओं में ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगा।
यहां पे एक तथ्य आपको समझा देते हैं। यहां पे तथ्य सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बुध आपके कुंडली में अगस्त के महीने में बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि विदेश यात्रा हो, धन की स्थिति हो, पारिवारिक स्थिति हो, सब बुध पे निर्भर हो रहा है और 9 अगस्त तक ये ठीक नहीं है। 9 अगस्त के बाद जब लग्नेश हो जाएंगे बुध तो विदेश यात्रा का योग बनेगा, नौकरी में परिवर्तन के बढ़िया योग बनेंगे, अच्छे लोगों से संपर्क के योग बनेंगे, मानसिक शांति भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करना चाहें कि कैसा रहेगा आपका पारिवारिक हाल और दाम्पत्य जीवन का हाल, प्रेम संबंध की भी चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहें कि देखिए आपके जीवन में पारिवारिक स्थिति का स्वामी भी देखिए बुध ही है। आपके जीवन में प्रेम संबंध को विचारों में जो व्यक्त होता है उसके स्वामी भी बुध ही हैं, क्योंकि प्रेम संबंध जो होता है इसमें बहुत सारे लॉजिक काम करते हैं, इमोशन काम करते हैं, भावनात्मक विचार भी उसी को बोलते हैं, वाणी की मधुरता होती है। आज के समय में तो धन भी प्रेम संबंध में बहुत जरूरी है, पैसा नहीं रहेगा तो लड़की छोड़ के भाग जाएगी, लड़का छोड़ कर भाग जाएगा, और इसके साथ में आप दोनों के परिवार भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो स्पष्ट हो रहा है कि प्रेम संबंध की स्थिति तो है आपके 9 अगस्त तक बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, क्लियर बता देता हूं। लेकिन 9 अगस्त के बाद आपके जीवन में थोड़े थोड़े प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि 11 अगस्त से शुक्र नीच के हो जाएंगे और प्रेम संबंध का एक्चुअल मालिक बृहस्पति भी है। तो इन दिनों क्या हो रहा है कि लव रिलेशन का हाल तो बहुत बढ़िया चल भी नहीं रहा है, दाम्पत्य जीवन का भी हाल बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। आप भी अपने दुनिया में बिजी हैं, क्योंकि इधर खर्च के योग भी बढ़े हुए हैं और आपके जीवन साथी भी अपने कर्म में बिजी हैं। सीधा सीधी अर्थ यही है कि आपके जीवन में 25 अगस्त तक लव रिलेशन में थोड़ी बाधाएं होंगी, थोड़ा दाम्पत्य जीवन में 25 अगस्त तक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 25 अगस्त तक हो सकता है परिवार वाले प्रेम संबंध को लेकर के नहीं माने, और 25 अगस्त तक जो है अगर आप अपने वाणी पे विचारता पे मधुरता रखते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो 25 अगस्त तक पारिवारिक स्थितियों में तो विवाद की थोड़ी संभावनाएं बनेंगी। लेकिन एक चीज यहां पे तथ्य को समझ लेना है कि आपके जीवन में 9 अगस्त से 25 अगस्त तक पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी, एकदम समझनी है आपको, लेकिन 11 अगस्त से कुछ कुछ मतभेद के योग बनेंगे, तो आपको थोड़ा सावधानी इसमें रखना पड़ेगा। अर्थ क्या है कि 11 अगस्त को शुक्र नीच के हो जाएंगे तो थोड़ा सा परिवार के लोगों से मतभेद की स्थितियां होंगी, लेकिन 9 अगस्त से बुध केंद्र में आ जाएंगे तो विचारों यानी वाणी में जो सुधार आएगा तो पारिवारिक तालमेल में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन 25 अगस्त तक लव रिलेशन हो या प्रेम से विवाह की स्थितियां हो, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, तो आपको सावधान रहना है। और अगर वाणी पर नियंत्रण कर लेते हैं, क्योंकि वाणी से ही लव रिलेशन और पारिवारिक रिलेशनशिप खराब होगा, तो आपका बहुत बेहतर रहेगा, वाणी पर सुधार करना पड़ेगा। अगर हम बात करना चाहें कैसा रहने वाला है विवाह के रिश्तों का हाल, देखिए विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते 9 अगस्त से आने चालू हो जाएंगे। जिनको अरेंज मैरिज करना है 9 अगस्त से विवाह के रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। जब बुध केंद्र में आ जाएगा सिंह राशि में तो सातवीं दृष्टि से विवाह स्थान को भी देखेगा, जहां पे कुंभ राशि है, बुध के मित्रवध संबंध है, बृहस्पति रेट्रोगेट बैठा हुआ है, तो बृहस्पति का प्रभाव तो उतना ज्यादा भी पड़ नहीं रहा है। तो जिसका अर्थ यह हुआ कि आपके जीवन में 9 अगस्त से विवाह के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, और प्रेम विवाह से मतलब प्रेम से विवाह का योग तो मैंने बताया 25 अगस्त से चालू हो जाएगा। जिनका दाम्पत्य जीवन में थोड़ा क्लेश, विचारों मतभेदता या अस्थिरता है पहले से जो दाम्पत्य में है, उनका 9 अगस्त से बहुत ही बढ़िया सुधार देखना मिल जाएगा, और दोनों के बीच में फाइनेंशियली मतभेद या पारिवारिक मतभेद चल रहा है तो वो 25 अगस्त से पूर्ण रूपेण ठीक हो जाएगा। अब मैं चर्चा करता हूं कैसा रहेगा आपके भाई बहनों का, रिश्तेदारों का हाल। देखिए सबसे पहला मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप अपने भाई बहनों से किसी प्रकार के फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन या उनसे व्यवहारिकता संबंध रखे हुए हैं रिश्तेदारों से, तो 11 अगस्त तक तो तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा छोटे भाई बहनों से। 11 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक छोटे भाई बहनों से लेकर के रिश्तेदारों से लेकर के सरकार के कुछ लोगों से मतभेद की संभावनाएं बन सकती हैं। पुनः 25 तारीख के बाद तालमेल ठीक हो जाएगा, लेकिन बड़े भाई बहनों का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था या दोनों के बंध में किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद था या पैसों को लेकर के जो विवाद की स्थितियां चल रही हैं, वो आपके जीवन में जो है 9 अगस्त से सुधार होना चालू हो जाएगा। संपत्ति की चर्चा कर लेते हैं और माता और पिता की स्थितियों की चर्चा कर लेते हैं। संपत्ति का मालिक तो देखिए केतु ऑलरेडी यहां पे विराजमान है,
माता स्थान में भी केतु विराजमान है। अब जाहिर सा बात है, जब केतु विराजमान है तो राहु तो उसको देखेगा ही। आधिपति मंगल जो है वो लग्न में विराजमान है, और मंगल अपनी चौथी दृष्टि से जो है वो देख रहा है किसको, चतुर्थ स्थान को, अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक को। ये आपको वास्तविक जीवन से जोड़ेगा, मतलब माता और पिता से प्रेम संबंध में वृद्धि करेगा। माता पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वो ठीक कर देगा। माता पिता आपके हर महत्वपूर्ण तथ्यों पे सपोर्ट कर देंगे, लेकिन थोड़े विवादों के साथ, क्योंकि आपकी तो आदत होती है किसी भी काम को हड़बड़ा के कर लेना और अपनी गलती कभी कभी दूसरों पे थोप देना। तो आप इस चीजों को रियलाइज करिएगा, अब बुरा मानने वाली बात नहीं है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है। तो चतुर्थ स्थान को देख रहा है मंगल, तो आप वाहन संपत्ति का वृद्धि होगा अगस्त के महीने में। लोगों के मध्य में आपकी ख्याति बढ़ेगी प्रॉपर्टी को लेकर के। आपके माता और पिता का स्वास्थ्य के साथ में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल जाएगा। पुराने प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी, घरेलू उलझनों की समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि धीरे धीरे आप कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे या खरीदेंगे तो आपका आर्थिक स्थितियों में सुधार देखने को मिलने लगेगा। पिता से तालमेल और पिता के कर्म क्षेत्रों में भी आपकी स्थितियों में सुधार रहेगा, परंतु 11 अगस्त से 25 अगस्त तक जब शुक्र निचस्त हो जाएंगे तो पिता की थोड़ी फाइनेंशियली कंडीशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पिता से थोड़ी से मतभेद की स्थितियां हो सकती है। 11 से 25 तारीख के बंधन में पिता से रिश्तों अच्छे रखिएगा और मानसिक शांति बना करके रखिएगा। इसके बाद फिर और आगे की चर्चा करना चाहते हैं, शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा, जुआ भी चर्चा कर लेते हैं कैसा रहने वाला है। सर्वप्रथम देखिए पंचम स्थान का अधिपति कौन है, बृहस्पति। ऑलरेडी वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं, जब पंचमेश वक्री हो जाए तो यह बहुत शुभ फलदायी फल तो नहीं दे सकता, क्योंकि बृहस्पति देवग्रह के अंतर्गत आते हैं और ये वक्री हो जाएंगे तो दिक्कतों का सामना तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्या हो रहा है कि शिक्षा में तो थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा 9 अगस्त तक, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि का कारक सिर्फ बृहस्पति नहीं है, बुध भी है। तो इधर क्या हो रहा है, बृहस्पति तो ऑलरेडी रेट्रोगेट आपका है और बुध ऊपर से द्वादश में बैठा हुआ है। ठीक है, बुध आदित्य योग बना करके रखा हुआ है, परंतु है तो द्वादश में। अब कोई बहुत बड़ा राजा, प्रतापी राजा, जिसके पास तलवार ही नहीं रहेगा और शत्रु के घर में चला जाएगा, तो राजा है, ज्ञान और उसके पास क्षमता है युद्ध लड़ने की, लेकिन ताकतों के लिए हथियार नहीं है। मनुष्य हो, भगवान हो या ग्रह हो, सभी को प्रभाव डालने के लिए किसी न तो किसी से क्षमता यानी पावर लेने पड़ते हैं। तो ग्रहों का पावर राशियां होती हैं, तो राशि का प्रभाव पड़ता है, ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। तो जब बुध सिंह राशि में आ जाएंगे मित्रगत राशि में 9 अगस्त से, तो आपके जीवन में हर मामले में शिक्षा में वृद्धि देखने को मिलेंगे, हर मामले में संतान की तरक्की और उन्नति देखने को मिलेगा। 9 अगस्त से संतान उत्पत्ति, संतान से सुख, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ, और इसके साथ में जो है कोई कॉलेज वगैरह में एडमिशन कराना चाहते हैं या फिर आपके जीवन में किसी प्रकार के भी कह सकता हूं कि बड़े शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसमें लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा, तरक्की के रास्तों को खोलेगा। चर्चा कर लेते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य की स्थिति। स्वास्थ्य तो धन से भी कीमती होता है, करोड़ों रुपए पड़े हैं, चलने की कैपेसिटी नहीं है। तो सबसे पहला देखिए, स्वास्थ्य के अधिपति तो रेट्रोगेट यहाँ पे शनि है, बृहस्पति भी रेट्रोगेट चल रहे हैं और अष्टमेश भी बृहस्पति रेट्रोगेट चल रहे हैं। स्वास्थ्य का सुधार इस महीने कैसा रहने वाला है, देखिए हेल्थ संबंधित अगर चर्चा करेंगे तो हेल्थ में थोड़ी पेट की समस्याएं तो चल रही हैं, गर्दन में थोड़ा पेन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बाजू बल में प्रेम कह सकता हूं कि थोड़ा सा कष्ट देखने को मिलेगा, और इसके अलावा जो है सिर दर्द की संभावनाओं का हाल 9 अगस्त तक तो रहेगा। 9 अगस्त तक नसों की समस्याओं में दिक्कतें रहेंगी, 9 अगस्त के बाद नसों की समस्याएं और पेट की समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा। गर्दन का पेन, हड्डियों का दर्द और मानसिक अस्थिरता, क्योंकि लग्नेश 17 अगस्त तक द्वादेश है तो 17 अगस्त तक आपको इस प्रकार के समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। प्रश्न उठता है कि क्या करना चाहिए परिस्थिति को ठीक करने के लिए, तो परिस्थिति को ठीक करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझिएगा। 17 अगस्त तक आपके गॉड फादर मतलब सूर्य की स्थिति खराब है, तो 17 अगस्त तक जल में गुड़ डालिए और सूर्य को जल दीजिए।
17 अगस्त तक आपको क्या करना है, रविवार के दिन नॉनवेज का सेवन नहीं कीजिएगा, पिता से मतभेद मत कीजिएगा, कर्ज से बचने का कोशिश कीजिएगा, केस मुकदमा से बचने की कोशिश कीजिएगा, और साथ में जो है कुछ समझ में नहीं आए तो चुपचाप बैठे रहिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। इसके बाद फिर जो है बृहस्पति को प्रबल करने के लिए और शुक्र को प्रबल करने के लिए गुड़ का खीर बनाइए, और शुक्रवार शुक्रवार के दिन 11 अगस्त से 25 अगस्त के दिन जो है 25 अगस्त तक या प्रत्येक दिन जो है या तो शुक्रवार के दिन गुड़ का खीर बना लीजिए, और प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग शाम के समय 11 अगस्त से 25 अगस्त तक चढ़ा दीजिएगा, तो परिस्थितियों में सुधार होने चालू हो जाएंगे। और गायत्री मंत्र का जाप करिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात अपने गुस्सा पर नियंत्रण करके रखिएगा 17 तारीख तक। गलत निर्णय लीजिएगा तो मैं क्या करूँगा, बोलिए हम तो आपके अच्छे के लिए ही ना बैठे हैं यहाँ, तो ये उपाय कर लीजिए। तो प्रिय सिंह लग्न वाले, कैसा रहेगा अगस्त का महीना का संपूर्ण मासिक हॉरोस्कोप, इसकी चर्चा तो मैंने कर दिया है, उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण आप संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध करते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।